काम है ये, अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने का काम है। बिहार में बढ़ते बेरोजगारी से क्यों? क्योंकि चिराग पासवान ने अभी 15 दिन, अभी 10 दिन पहले, एक हफ्ता पहले पुनः सवाल उठाया 19 लाख। राम पर जीतन राम मांझी ने सवाल खड़े कर दिए हैं, उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया है, जिसको लेकर के चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि ध्यान भटकाने से कुछ नहीं होगा, ये तमाम मुद्दे सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए उठाए जाते हैं। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने वो सुनिए। ध्यान भटकाने का काम है ये, अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने का काम है। बिहार में बढ़ते बेरोजगारी से क्यों? क्योंकि चिराग पासवान ने अभी 15 दिन, अभी 10 दिन पहले, एक हफ्ता पहले पुनः सवाल उठाया 19 लाख रोजगार पे। तो अब ध्यान कैसे भटकाया जाए? तो भगवान राम के अस्तित्व पे आप सवाल उठा दें। भाई ताज्जुब होता है मुझे कि भारत के नेता ये सिर्फ राम भगवान सिर्फ यही करते रहते हैं, रामायण महाभारत करते रहते हैं। आप वास्तविक समस्याओं का जिक्र आप कब करेंगे? जैसा मैंने कहा, बिहारी इतने जानकार है कि जिसको जिसमें आस्था रखनी होगी वो आस्था रखेगा। कोई भगवान राम पे रखता है, कोई भगवान कृष्ण पे रखता है, कोई शिव पे रखता है, कोई विष्णु पे रखता है, कोई दुर्गा पे रखता है, अभी नवरात्रे आ रहे हैं उस पे रखता है, दशहरा आ रहा है, आगे दिवाली आ रही है, छठ आ रही है, छठी मैया पे हम लोग आस्था रखते हैं। किस किस के अस्तित्व पे आप सवाल उठाएंगे? आप इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, जैसा मैंने कहा कि आप बात कीजिए रोजगार की, आप बात कीजिए भ्रष्टाचार की, आप बात कीजिए बढ़ते अपराध की, आप बात कीजिए कि भैया 19 लाख रोजगार आप बिहार में कब देंगे। भगवान राम की चिंता मत कीजिए, वो स्वयं भगवान है, अपनी चिंता कर ले। जीतन राम मांझी जैसे सीनियर नेता ऐसे सवाल उठाते हैं, तब इसको कैसे देखते हैं? जीतन राम मांझी जैसे भाई सीनियर नेता के सवाल उठाने का नहीं है, ये सरकार सवाल उठा के ध्यान भटकाने का काम करती है। पर हम लोग है ना विपक्ष, उनको विषय से हम लोग भटकने नहीं देंगे। बहुत समस्याएं हैं और सत्ताधारी जितने नेता हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, विनम्रता से आग्रह करूंगा कि भैया हमें रोजगार दे दीजिए, हमें रामायण महाभारत से नहीं लेना देना, हमारी आस्था जिसमें है हम उस पर आस्था रखेंगे, विश्वास रखेंगे, बंद कमरे में नमन करेंगे, पूजा कर लेंगे, मंदिर चले जाएंगे, जिसकी जो आस्था है। आप हमको मत बताइए कि कौन सा किरदार था नहीं था, कौन से भगवान देवी देवता थे नहीं थे। जिसकी अपनी व्यक्तिगत आस्था है वो अपनी आस्था रखेगा, ना आपके कहने से वो नास्तिक बनेगा, ना आपके कहने से वो आस्तिक बनेगा। पर हमारी समस्याएं अलग है, हमको जवाब दीजिए कि भैया 19 लाख रोजगार का आपने वादा किया था, रामायण महाभारत में मत उलझाइए, हमको बताइए कि 19 लाख रोजगार कब मिलेंगे। बिहार में जो भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, कोई एक गांव बिहार का बता दीजिए जहां पे बिना घूस दिए हुए कोई काम हो रहा हो, उस भ्रष्टाचार को आप समाप्त कब करेंगे? आए दिन जो बिहार में हत्याएं हो रही है, अभी वैशाली में, उस दिन महनार में जिस तरीके से एक मासूम लड़की की, 13-14 साल की युवती की हत्या कर दी गई, उसके पिता शिक्षक थे, पिता को हम लोगों ने, उसके शिक्षक को हम लोगों ने गुरु का दर्जा दिया, भगवान का दर्जा दिया। आप भगवान राम की बात करते हैं, भैया मैं उनको भी भगवान मानता हूँ जो शिक्षक है, उनको हम लोगों ने भगवान का दर्जा दिया। उनकी बेटी के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, क्या उसकी आपने जांच करवाई? क्या दोषियों को सजा मिल रही है? आप बिहार में बढ़ते अपराध की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, बाकी राम रामायण तमाम लोग जानकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, जिसको अपनी आस्था रखनी होगी वो रख ले। तो आपने सुना चिराग पासवान को, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो डबल इंजन की सरकार है वो बार बार ध्यान भटकाने का काम कर रही है, मगर मैं ध्यान भटकने नहीं दूंगा। 19 लाख रोजगार का वादा किया था एनडीए की सरकार ने, वो 19 लाख रोजगार कहाँ है? पूर्णिया पहुंचे थे चिराग पासवान और खूब खरी खोटी जो है सुनाई है, जो लोग सवाल इस तरीके का उठा रहे हैं। आप बने रहे हेडलाइंस पे।